दस्यु बबली कोल गैंग द्वारा अपहृत खोआ व्यापारी डकैतों के चंगुल से छूट आया है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दावा किया है कि डकैतों ने अपने आप को पुलिस से घिरता देख अपहृत को छोड़कर भाग निकले हैं। पुलिस का यह भी दावा है कि अपहृत को छुड़ाने में किसी तरह की फिरौती नहीं दी गई है। आपको बताते चले कि 15 अगस्त को बबली कोल गैंग के दो सदस्यों ने निही ग्राम से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित ब्रजमोहन पांडे का घर से अपहरण कर लिया था, जिसे छोड़ने के लिए गैंग द्वारा फिरौती मांगी गई थी, जिस पर परिजनों ने 17 अगस्त को थाना मानिकपुर में बबली कोल व लवलेश कोल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक चितकूर द्वारा स्वयं एवं पुलिस की कई टीमें बनाकर अपहरण की बरामदगी हेतु जंगल में सघन कॉम्बिंग अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों के लगातार कॉम्बिंग एवं सर्च अभियान के कारण पुलिस के डर से बबली कोल गैंग इधर से उधर भागता रहा, जिसका लाभ उठाकर अपहरण ब्रजमोहन पांडे 19 अगस्त को शाम को गैंग से बचकर कहीं छिप गया और अंधेरा होने पर अपने घर वापस आ गया। इसमें कई लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से ये भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि गैंग को फिरौती की रकम देकर अपहरण को छुड़ाया गया है, जो पूर्णतः गलत है। अपहरण ने स्वयं बताया कि फिरौती के लिए गैंग को किसी भी प्रकार का कोई धन नहीं दिया गया है, बल्कि पुलिस के दबाव में गैंग के अंदर भय पैदा होने और इधर उधर भागने के दौरान मौका पाकर गैंग से मुक्त होकर बचते बचाते अपने घर वापस आया है। और धीरे धीरे किसी प्रकार से चक्कर हटते हुए नाले के सहारे से कुछ और दूर आए और फिर सुबह जो है वहीं एक हमको रोड मिल गई और मेरा धीरे धीरे किसी तरह के छोड़वाने के लिए कोई पैसे वगैरह भी आप लोगों को देना पड़ा? नहीं देना पड़ा। पुलिस के मूवमेंट देख के पुलिस जो जंगल में आगे पीछे जाके उसी के ऊपर आपको मौका मिल गया था? दिनांक 15/8/2019 को निही गांव में के अंतर्गत एक एकांत में काफी गांव से 1 किलोमीटर दूर ब्रजमोहन पांडे रहते हैं और उस दिन रात में 9 बजे बबली गैंग के दो सदस्य इनको वहां से पकड़ के ले गए और इसके बाद अगले दिन उन्होंने फिरौती की मांग इनके परिवार वालों से की थी। इस संबंध में परिवार वालों ने 17 तारीख को बबली गैंग के विरुद्ध अपहरण करने का और फिरौती हेतु पैसे मांगने का मुकदमा कायम कराया था, किंतु पुलिस को अपने सूत्रों से ही इसकी जानकारी 16 तारीख को हो गई थी। उसी दिन से पुलिस लगातार मानिकपुर मार्केटिंग पुलिस टीम लगातार जंगलों में कॉम्बिंग कर रही थी। इसी कॉम्बिंग के दौरान कल भी परसों लगातार 3 दिनों से कॉम्बिंग चल रही थी, इससे जबरदस्त गैंग पर प्रेशर हुआ। इस प्रेशर के कारण मौका मिल गया अपहृत को और कल अपहृत जो है शाम के समय पुलिस की कॉम्बिंग का फायदा उठाते हुए जब ये भाग रहे थे, डर के जब गैंग वाले भाग रहे थे उस समय जो है इस अपहृत को मौका मिल गया और वहां से भाग के अंदर घोर जंगल में चला गया। फिर मौका पाके वो अपने बाहर निकले और बाहर निकल के फिर अपने परिजनों के पास पहुंच गए। इसमें कुछ लोगों ने अनौपचारिक रूप से ये बात बार बार भ्रम फैलाया जा रहा है कि पैसा देके अपहृत मुक्त हुआ है, ये पूरी तरह गलत है। अपहृत ने साफ स्पष्ट रूप से बताया गया कि किसी भी प्रकार का पैसा गैंग को नहीं दिया गया है और पुलिस के दबाव के कारण जो है ये जो अपहृत मुक्त हुआ है।